करोड़ों के भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने वाले देश के पहले सीएम बने योगी। गुजरात दिल्ली समेत 7 राज्यों को छोड़ा पीछे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को रोकने वाले देश के सबसे पहले सीएम बन गए हैं। उन्होंने गुजरात दिल्ली मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत अन्य राज्यों को न सिर्फ पीछे छोड़ा है बल्कि देश में सबसे ज्यादा जेम पोर्टल के माध्यम से विभागीय खरीदारी कर इतिहास रच दिया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। यूपी के इन छोटे जिलों में भी निवेश करने के लिए आ रही है बड़ी कंपनियां। युवाओं को मिलेगी नौकरी। कोरोना वायरस से प्रभावित हुए अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की दिशा में योगी सरकार बड़े कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश के छोटे और पिछड़े माने जाने वाले जिले में निवेशकों ने निवेश करने में रुचि दिखाई है। इसके चलते बाराबंकी, गोरखपुर, हरदोई, कानपुर, हमीरपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, जालौन, बदायूं, अमरोहा और गाजियाबाद में कई कंपनियों ने निवेश करने की पहल की है। हरदोई, गोरखपुर, हमीरपुर और बाराबंकी में 4 बड़ी कंपनियां 1,583 करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। इन निवेश से पिछड़े जिलों में आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके जरिए 1,564 लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें से ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज बाराबंकी में अपना उत्पादन 31 जनवरी 2023 तक शुरू भी कर देगी और इससे 1,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वाकई ये बाराबंकी के साथ ही और जिलों के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल और स्टूडेंट से संबंधित। यूपी में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद। योगी सरकार ने प्रदेश के सभी कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में इससे पहले 4 अप्रैल तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया था। अब नए आदेश में इसकी अवधि को 11 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। बाकी स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर है गोरखपुर वासियों के लिए। सीएम सिटी गोरखपुर के लिए योगी ने खोला खजाना। रामगढ़ झील की बदले की सूरत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशकों से उपेक्षित पड़े गोरखपुर के रामगढ़ ताल को भव्य पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दे दी है। कोई इसकी तुलना मुंबई के मरीन ड्राइव से करता है तो कोई जुहू चौपाटी से। अब इस ताल की रंगत और निखरने वाली है। इसके लिए सीएम योगी ने एक बार और खजाना खोल दिया है। ताल के पश्चिमी और दक्षिणी छोर की तरह ही उत्तरी छोर को भी विकसित किया जाएगा। जल्द ही रामगढ़ ताल रिंग रोड की सैर का भी खूबसूरत स्थान बन जाएगा। तो ये वाकई गोरखपुर वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। और अगली बड़ी खबर है लखनऊ वासियों के लिए। 4-लेन फ्लाईओवर सहित राजधानी लखनऊ को मिली 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब रिंग रोड पर जाम से नहीं जूझना होगा। योगी सरकार ने शुक्रवार को रिंग रोड पर 4-लेन फ्लाईओवर समेत लखनऊ के लोगों को 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिंग रोड पर नए फ्लाईओवर का लोकार्पण करने के साथ खुर्रम नगर में नए 4-लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस का असर, इस साल भी नहीं लगेगा ऐतिहासिक नौचंदी मेला, प्रशासन का फैसला। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक नौचंदी मेला इस साल भी नहीं लगेगा। मेरठ के जिलाधिकारी के बालाजी ने कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नौचंदी मेला नहीं आयोजित किए जाने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर है पंचायत चुनाव से। यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों के लिए आज से नामांकन शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश शर्मा ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया शनिवार से शुरू हो रही है। रविवार तक चलने वाली इस प्रक्रिया के तहत राज्य के 18 जिलों में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के पदों के लिए उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल करेंगे। इन 18 जिलों के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश शर्मा ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि नामांकन के दिनों में विकासखंड मुख्यालय आने वाले उम्मीदवारों के समर्थकों के भीड़ को नामांकन स्थल के 200 मीटर की परिधि के बाहर ही रोक दिया जाए। नामांकन स्थल पर उम्मीदवार, उसके चुनाव अभिकर्ता, प्रस्तावक और मदद के लिए एक अन्य व्यक्ति को ही आने की अनुमति दी जाए। और इसके साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। काशी के पहले पुलिस कमिश्नर की अनोखी पहल, चर्चा का केंद्र बना नो योर ऑफिसर कैंपेन। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कमिश्नर प्रणाली लागू हो चुकी है। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद सतीश गणेश वाराणसी के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त होने के बाद बड़े बदलाव की तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में पुराने से नए सिस्टम को परिवर्तन ने जनता में खासा चर्चा है।
चर्चा इस बात की है कि कौन अधिकारी किस पद के लिए होगा और उसका नाम क्या होगा। ऐसे में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक अनोखी कैंपेन की शुरुआत की है, जिसका नाम है नो योर ऑफिसर, यानी कि अपने अधिकारियों को पहचानिए। दरअसल कमिश्नरेट प्रणाली में कुल 18 थाने कमिश्नर के अंदर में आते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नथुनी, चूड़ी, पायल, बिछुआ और बिंदिया, क्या ये सब मिलकर बदल पाएंगे यूपी पंचायत चुनाव का मिजाज? यूपी पंचायत चुनाव 2021 में वोटरों को लुभाने के लिए उम्मीदवार अब पर्दे के पीछे कई तरह की तरकीब शुरू कर दिए हैं। दरअसल खासकर महिला वोटरों को लुभाने के लिए साड़ी, चूड़ी, नथनी, बिंदिया, अंगूठी, पायल और बिछुआ सहित कई अन्य तरह के उपहार दिए जा रहे हैं। वहीं परदेशी मतदाताओं को रिझाने के लिए बस, ट्रेन और हवाई टिकट जैसे प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। बता दें कि शराब बांटने का खेल तो पुराना हथकंडा है, जो कि इस चुनाव में भी धड़ल्ले से चल रहा है। यूपी के इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावेदारों ने अब खुलकर हाथ आजमाना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या साड़ी, चूड़ी, नथनी, अंगूठी, पायल और बिछुआ से यूपी पंचायत चुनाव का मिजाज बदलने वाला है। वहीं अमेठी पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह ने कहा कि जिले में कहीं भी अगर शराब बांटी या परोसी जाएगी तो संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी के मुताबिक आचार संहिता के दौरान अगर किसी प्रत्याशी द्वारा गिफ्ट देने की शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जौनपुर से पंचायत चुनाव लड़ेंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस दीक्षा सिंह, बोली पीएम मोदी मेरे आदर्श। यूपी के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसी कड़ी में फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रही दीक्षा सिंह जौनपुर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दीक्षा ने वार्ड संख्या 26 बक्सा से जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चा खरीदा है। बॉलीवुड में अच्छा नाम कमा चुकी अभिनेत्री अब गांव गांव जाकर प्रचार करेगी। बक्सा विकास खंड क्षेत्र के चित्तौड़ी गांव निवासी जितेंद्र सिंह की बेटी दीक्षा सिंह ने फेमिना मिस इंडिया 2015 में भाग लिया था, इसमें वो रनर अप रही थी। अभी फरवरी 2021 में दीक्षा के आए एल्बम रब्बा में हर करे ने खूब सफलता बटोरी थी। उन्होंने बॉलीवुड की इश्क तेरा, प्रेम की कहानी लेखन भी किया है। इसके अलावा इन्होंने पेंटीन, पैरासुटाइल, स्नैपडील से लेकर बड़ी कंपनियों के विज्ञापनों में भी काम किया है। उनके हाल ही में बड़े बैनर की वेब सीरीज भी आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने लगवाया स्वदेशी वैक्सीन का टीका, वैज्ञानिकों का किया था स्वागत। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में स्थित लोहिया संस्थान में कोरोना का टीका लगवाया। उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन की पहली डोज ली है। अब 28 दिन बाद शिवपाल दूसरी डोज लेंगे। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि वैज्ञानिकों ने बहुत मेहनत कर वैक्सीन बनाई है और हम उनका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों की मेधा और उद्यमता को नमन है। लखनऊ सहित इन जिलों के कक्षा 1 से 12 तक के सभी प्राइवेट स्कूल व मिशनरी स्कूल 11 अप्रैल तक बंद। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक तरफ योगी सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक के प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों को 11 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी बड़ा फैसला लिया है। एसोसिएशन ने कक्षा 1 से 12 तक के सभी प्राइवेट और मिशनरी स्कूल कॉलेज 11 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत एसोसिएशन संबंध राजधानी लखनऊ सहित सीतापुर, हरदोई, वाराणसी, लखीमपुर के सभी प्राइवेट और मिशनरी स्कूल बंद रहेंगे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष व संत जोसेफ कॉलेज के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने बताया कि हमारी एसोसिएशन के सभी विद्यालयों से बात हो गई है और जो भी हमारे एसोसिएशन से जुड़े विद्यालय हैं उन्होंने इस फैसले का स्वागत भी किया है। सोनभद्र के लव वर्मा दुबई में खेलेंगे दिव्यांग प्रीमियर क्रिकेट लीग। सोनभद्र के लव वर्मा का हुआ दिल्ली चैलेंजर्स टीम में चयन। बता दें कि लव वर्मा भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के उपकप्तान भी हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के आनपाड़ा निवासी अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी लव वर्मा का चयन दिल्ली चैलेंजर्स की टीम में हुआ है। दिव्यांग क्रिकेट के इतिहास में पहली बार दुबई और शारजाह में होने जा रहे दिव्यांग प्रीमियर लीग में लव वर्मा हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि है भोजपुरी फिल्मों से। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बताया बॉयफ्रेंड बदलने का नया तरीका तो हो गया वायरल। भोजपुरी एक्ट्रेस और लोगों के दिलों की धड़कन अक्षरा सिंह लगता है अब उन लड़कों को सबक सिखाकर ही दम लेंगी जो लड़कियों के इमोशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तभी अक्षरा सिंह ने अपना नया हिंदी रैप सॉन्ग बॉयफ्रेंड बदलने का नया तरीका लेकर आई हैं, जो उन्होंने अपने ही YouTube चैनल से रिलीज किया है। अक्षरा का यह गाना रिलीज के साथ ही वायरल होने लगा और महज कुछ ही घंटों में इस गाने को लाखों व्यूज मिल रहे हैं। अक्षरा सिंह अपने इस रैप सॉन्ग में थोड़ा गुस्से में नजर आ रही हैं और लड़कियों से खासकर कह रही हैं कि अब वो भी अपने पसंद के किसी भी बॉयफ्रेंड बनाएं और उसे बदले भी।
बॉयफ्रेंड बदलने का नया तरीका क्या होगा, यह अक्षरा सिंह के इस गाने में साफ नजर आ रहा है।